हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित, या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की है, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर लैटरल इंट्री एडमिशन से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बेसिकली डी टू डी बोलते हैं, डिप्लोमा टू डिग्री काउंसलिंग के लिए। तो आपकी काउंसलिंग आज होपफुली आज लास्ट डे है। आई होप आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर लिया और अब चॉइस फिलिंग में अपने प्रेफरेंसेस सेट कर लिया, और जो भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने होंगे चॉइसेस में आपने आज कर लिया। अनलॉक ऑप्शन में जाके हमने बताया था बीटेक चॉइस फिलिंग के वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी वो वीडियो हम लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। आप उसे हाफ वे में जाके फास्ट फॉरवर्ड करके देख के तुरंत एडिट करके सेव कर लीजिएगा उसको। और जो भी आपको डाउट्स है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने काउंसलिंग किया है, फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट्स मिले हैं, सेकेंड राउंड में क्या वो सीट अपग्रेड हो सकता है, फर्स्ट राउंड में आपने चॉइसेस रखें नहीं रखें, या फिर फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, या फिर काउंसलिंग फ़ी देके सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया या नहीं किया, तो सेकेंड राउंड में आप बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते, अपग्रेड का क्या सीन है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में फिर से आपको क्या चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, या फिर से वही चॉइसेस के लिए आपको अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें हम लोग आपको आराम से बता देंगे। वो क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले एक बार ही चॉइसेस रखा जाते तो वही सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में एलिजिबल हो जाता था, बट इस बार क्या है कि हमेशा से आपको बार बार मौका मिलेगा चॉइसेस रखने के लिए। तो जब भी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की जब भी चॉइसेस स्टार्ट होगी, और जब भी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी फर्स्ट राउंड की, तब हम आपको बता देंगे अपग्रेड का क्या सीन है, कैसे आप अलॉटमेंट फिर से आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको जो कॉलेजेस मिली हैं उनके हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस के लिए जाना चाहिए बचा हुआ जो भी है। क्योंकि जब तक नए वाले सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी सेकंड राउंड के लिए, तब तक आपको कुछ खुद भी नहीं समझ में आएगा। और बाकी बचे हुए जो भी डाउट्स है फर्स्ट राउंड से जितने भी रिलेटेड डाउट्स थे मैंने सब के सब कवर कर लिए, और जो भी अभी आपके डाउट्स है ना वो सब के सब अब सेकेंड राउंड से रिलेटेड है। तो लेट लेट द सेकेंड राउंड बिगिंस, कम से कम उनको आने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आराम से इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना टेंशन मत लीजिए, आप अपना फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट का वेट करिए और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देखिए, और उसके बाद आप जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए आप अपना रेडी करके रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। जैसे सबसे पहले तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा फर्स्ट राउंड के बाद, वो आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑब्वियसली बात है। और आपको कोई इस बार 1000 रुपये देने नहीं पड़ेगी जो पहले देना पड़ता था, क्योंकि इस बार आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही जमा कर लिया। और जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया हो, क्योंकि उनका चॉइस फिलिंग हुआ नहीं होगा, और चॉइस फिलिंग नहीं हो तो आपको सेकंड राउंड में फिर से बैठना ही पड़ेगा अगर आपको चॉइसेस रखने हैं। और जब भी आप चॉइसेस रखेंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं दिया वो पैसा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बार बार नहीं देना, मैं बोल रहा हूं बार बार, जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड नहीं किया है, चॉइसेस नहीं रखे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको सेकंड राउंड में जब भी वो करेंगे, जब भी उनका फर्स्ट टाइम चॉइस रखने का टाइम आएगा, तब उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले ही दे दिया उनका हमेशा उसी तरह चलते रहेगा। और किस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगा वो मैंने पहले ही बता दिया चॉइस फिलिंग वीडियो में, प्लीज उसको रेफर कर लीजिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा उसका लिंक, आप उसी से समझ लीजिएगा। फिर भी कोई उसके बाद एक्स्ट्रा कोई डाउट रहता है जो मैंने वीडियो में नहीं कवर किया, तब आके आप टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, जो आपको ठीक लगे वहां पे आके पूछ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। फिर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखिए, एडमिट कार्ड अपना, मार्कशीट, जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th 12th अगर आपने किया है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10th 12th करने के बाद डिप्लोमा में जा रहे होते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अपना सारा एडमिट कार्ड और मार्कशीट्स रखें, पासिंग सर्टिफिकेट्स रखें। 10th अगर कोई सीबीएसई से करता है तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वही मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट एक लंबा सा जो पेपर मिलता है वही होता है। और 12th जब आप करते हो तो 12th के बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है कि आप लैटरल इंट्री है तो आपको डिप्लोमा का चाहिए होगा, तो डिप्लोमा के सारे आप मार्कशीट्स रेडी रखें जितने भी हैं आपके पास। अगर आपके पास अगर आप फाइनल ईयर में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास फाइनल ईयर का तो मार्कशीट नहीं आया होगा, अगर आ गया किसी कॉलेज में तो बहुत बढ़िया बात है। मे बी कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं आया हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट वाले नहीं आते इतने जल्दी। तो अगर आपकी TR शीट आ गई है तो ऑब्वियसली बात है TR शीट का आप कॉपी करा के उसका जेरोक्स निकाल के प्रिंट आउट निकाल के उसको रख लें, कॉलेज से जाके साइन करवा लें भाई कि अपना, और कम से कम एटलीस्ट प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से बनवा ले अपना कॉलेज में जाके। ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों ने भी यही किया था अपने टाइम पे जब हमारा एडमिशन था, तो उस समय तक तो ऑब्वियसली बात थी कि ओरिजिनल डिग्री नहीं बन के आई थी, तो हम लोगों ने प्रोविजनल बनवा लिया था और कॉलेज से एक एप्लीकेशन साइन करवा लिए थे कि हमारे भाई सारे ओरिजिनल डिग्रीज और सारे हमारे जो भी प्रीवियसली 10th 12th वाले जो भी मार्कशीट और जो भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप डिप्लोमा एडमिशन लिए होंगे तो आपके सारे ओरिजिनल डिग्री वहां जमा होगा, और जब तक आपको अपने डिप्लोमा से TC नहीं मिलेगा तब तक आप वहां जमा नहीं कर पाओगे बीटेक कॉलेज में। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां से जाकर आप एप्लीकेशन लिखवा लो, बोना फाइड साइन करवा लो कि आपके वहां कौन कौन से डिग्री जमा है, और उसके बाद प्रिंसिपल से साइन करवा के एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रख लो, और वो बीटेक में जब एडमिशन कराने जाओगे तो उसको दिखा देना कि आपके भाई ये सब जमा है, और जैसे ही आपका उस कॉलेज में डिप्लोमा वाले में बन के आ जाएगा वहां से सारे डॉक्यूमेंट छुड़वा के TCUC जाके अपने बीटेक कॉलेज में जमा कर देना। DTOD का एडमिट कार्ड और रिजल्ट कार्ड जो आपका है ऑब्वियसली बात है आप उसको रखोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी है या चॉइस फिलिंग आपने किया तो भाई आपने प्रिंट आउट जरूर निकालोगे या सेव करके रखोगे, तो उसको भी एक एज अ बैकअप में जरूर रख लेना। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मस्ट है, कंपलसरी है,
जरूरी है, क्योंकि आप झारखंड में एडमिशन ले रहे हो तो डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। तो चाहे वो सीओ से साइन हो, चाहे वो एसडीओ का बना हुआ हो, चाहे वो डीसी ऑफ झारखंड स्टेट का बना हो, ऑनलाइन जो भी है आपका वो जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम सीओ का बन के आता है, बहुत किसी का एसडीओ का होगा। तो ऑब्वियस बात है, देखो भाई जिसका 2016 के बाद से बना हुआ है सबका वैलिड है, ठीक है। तो कोई पूछते हैं 19 का है, 20 का है, तो भाई ज्यादा दिन हो गया तो प्लीज एक बार फिर से बनवा लो, रिन्यू करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन जाता है, ज्यादा दिन अब लगता नहीं ऑनलाइन में। तो ये चीजें हैं। तो आजकल टाइम में सर्कल ऑफिसर से बन के आता है, मेरा पहले टाइम में एसडीओ से था, फिर मैंने जब फिर से बनवाया था 2-3 साल बाद, 16 के बाद मैंने 19 या 20 में बनवाया था बीटेक में एडमिशन के लिए, तो सीओ से बन के आया था। तो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट करवा लो। फिर देखिए आपका ये है, बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे टीएफडब्ल्यू का कैटेगरी का नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उसका सीट फिल करना, चॉइसेस। टीएफडब्ल्यू या कैटेगरी वाइज आप सीट नहीं फिल कर सकते, आप सिर्फ अपना चॉइसेस रख सकते हैं। आपका कोई भी रैंक आया उस हिसाब से अलॉट होगा सीट। अगर आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज अलॉट होना चाहिए तो कैटेगरी वाइज होगा, टीएफडब्ल्यू वाइज अलॉट होना चाहिए तो टीएफडब्ल्यू होगा, या जनरल वाइज होगा तो सीएमएल रैंक पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं सेट कर सकते कि आपको किस वाइज पे रैंक चाहिए, किस अलॉटमेंट कैटेगरी पे चाहिए, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप सिर्फ चॉइसेस रख सकते हैं कैटेगरी में, किस कैटेगरी में अलॉट होगा सीट वो जैसे से भी देखेगा, ठीक है। तो आपके चॉइसेस पे निर्भर करता है। बट किसी को भी अगर कैटेगरी पे सीट अलॉट होता है, बीसी1 बीसी2 एससी एसटी टीएफडब्ल्यू, तो भाई ये सब चीज के लिए अलॉट होगा, तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट तो एकदम कंपलसरी होगा, अदरवाइज उतना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको जनरल कैटेगरी पे सीट अलॉट होता है तो जनरल कैटेगरी की कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होती है। तो अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट है भाई तो आप करवा ले, क्योंकि क्या पता आपको कैटेगरी पे ही सीट अलॉट हो जाए। अगर टीएफडब्ल्यू पे सीट अलॉट होती है तो इनकम सर्टिफिकेट तो 6 महीना का वैलिड होता है, तो 6 महीना भाई आपको रिन्यू कराना होगा, आपको देख लेना होगा कि कब तक आपका वैलिड है। तो प्लीज एडमिशन तक कम से कम रख लें वैलिड, उसके बाद अनवैलिड हो जाए तो आप अपना फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। उसके बाद 10th और 12th जो भी आपने किया होगा या डिप्लोमा किया होगा, तो मैंने जो भी बोला कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और टीसी चाहिए होगा, तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं इस साल के डिप्लोमा के लिए तो ऑब्वियस है कि आपको नहीं आया होगा, तो आप प्लीज़ करवा लें, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा लें, मैंने बता दिया। और आपके पास अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। मेडिकल सर्टिफिकेट वो आप बनवा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर का साइन होता है, वो एक प्रॉपर होता है, वो आप जाएंगे कॉलेज सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वो उसके लिए उतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कभी भी आप बनवा सकते हैं, तो उतना हार्ड चीज़ नहीं है। आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए एडमिशन के लिए, आप बोलिएगा तो आपको वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म में प्रॉपर होता है, फिर उसको डॉक्टर साइन कर देता है। पीएच कैटेगरी वाले स्टूडेंट भाई, उनको अगर उस कैटेगरी पे सीट अलॉट होता है तो ऑब्वियस बात है कि आपकी सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगी। एंटी रैगिंग के लिए उतना नहीं सोचना, वो जब कॉलेज में जाओगे वहीं पर बन जाएगा, या फिर वो टाइम देंगे। इंपॉर्टेंट है आपके वो बाकी सब डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट, टीसी मार्कशीट्स 10th 12th वाले, फिर D2D का कार्ड, D2D के रिजल्ट कार्ड, चॉइस फिलिंग, ये सब अलॉटमेंट लेटर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एंटी रैगिंग और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट ये सब बाद में भी वो बन सकता है। डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जितने भी आप जो भी जेरोक्स के जो भी सेट्स आप बना रहे हो ये सब डॉक्यूमेंट्स के, उनके 2-3 जेरोक्स करवा लेना भाई, और सबको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। सेल्फ अटेस्ट का मीन्स होता है उन सब जेरोक्स कॉपीज में अपने अपने सिग्नेचर करना, ठीक है, जो सिग्नेचर आपने जमा किया होगा सब जगह, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो यही सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बाकी अगर कुछ भी छूटती है तो प्लीज आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब मे बी आपके पास 3 दिन टाइम है आपके अलॉटमेंट आने में यहाँ से, तो आप 3 दिन के अंदर आप वीडियोस को शेयर करें, अपने D2D ग्रुप्स में बताएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें। बाकी मिलता हूँ आपसे कोई भी रिलेटेड डाउट से, जो भी सेकंड राउंड की वो आपको सेकंड राउंड की वीडियो में या अलॉटमेंट लिस्ट वाली वीडियो के दिन आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे, बाय।